नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना सिहोनिया पुलिस द्वारा दिनांक 9/6/2024 10/6/2024 के दरमियान रात में ग्राम संगोली में हुई 26 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गुत्थी का खुलासा कर आरोपियों को घटना के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बोर का कट्टा बरामद किया गया। 50 वर्ष पुरानी रंजिश घटना का संक्षिप्त विवरण। सूचनाकर्ता ब्रिजेश सिंह तोमर पुत्र स्वर्गीय रामाधार सिंह तोमर द्वारा दिनांक 10/6/2024 को थाना सिहोनिया पुलिस को सूचना दी गई थी कि दिनांक 9/6/2024 10/6/2024 की रात्रि उसके पिता मृतक रामाधार पुत्र रामचरण सिंह तोमर उम्र 76 साल की किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त सूचना पर से पुलिस अधीक्षक मुरैना के निर्देशानुसार विजय सिंह भदौरिया, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिला मुरैना, उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, गोरथाना प्रभारी सहानिया एवं साइबर टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं थाना वापसी पर सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर से थाना सिहोनिया अपराध क्रमांक 72/24 के अंतर्गत धारा 302 भादवी का अज्ञात आरोपी के पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कारण आरोपी ने की थी मृतक की हत्या। पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा उक्त अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अपराध जघन्य प्रवृत्ति का होने से उक्त अपराध अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौर थाना प्रभारी सहोनिया को निर्देशित कर थाना सहोनिया स्तर पर पूर्व टीम का गठन किया गया एवं उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर के निर्देश एवं विजय सिंह भदौरिया उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिला मुरैना शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशानुसार 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की गई। मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। ये बिल्कुल थाना सिहोनिया अंतर्गत गांव सांगोली है, उसमें दिनांक 9 और 10 की दरमियानी रात में एक 76 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। ये मामला पूरी तरीके से ब्लाइंड था। पुलिस के द्वारा इसमें तमाम एंगल पर प्रयास किया गया, जो टेक्निकल एविडेंस है उनको खोजा गया, जो गांव वाले हैं उन लोगों से पूछताछ की गई और उस पूछताछ से कुछ तथ्य निकल के आए कि जो मृतक है रामाधार तोमर, जिनकी उम्र 76 साल थी, करीब 50 साल पहले रामाधार तोमर के भाई लोगों के द्वारा गांव के ही एक जय सिंह तोमर की हत्या कर दी गई थी। और जय सिंह तोमर का जो पोता है वो उसको गांव के लोग या जो भी चीजें उसके मन में बनी रही, लगभग 50 साल बाद उसने उसी जो घटनाक्रम हुआ था उसका बदला लेने के उद्देश्य से इनकी रामाधार तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और उसने सारी घटना कबूल की। उसके द्वारा जो घटना में 12 बोर का कट्टा यूज किया गया था वो भी इसमें मिल गया है, वो आपके समक्ष है। एक 34 आबकारी एक्ट का एक मामला नहीं, रामाधार तोमर आरोपी नहीं था, रामाधार तोमर के भाई और अन्य लोग।